क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 लीनियर इक्वलिटीज का जो एक्सरसाइज 6.2 है, आज उसे हम डिटेल में सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स भी दूंगा जिनको आपको फॉलो भी करना है। इससे पहले मैंने बाकी चैप्टर और बाकी एक्सरसाइज करा रखे हैं, उनको आप जाके देख सकते हैं, जिनकी मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पर। एंड गाइज, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ऑनलाइन ही देखा करो, बिना डाउनलोड किए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वलिटीज ग्राफिकली इन टू डायमेंशन प्लेन। टू डायमेंशन का प्लेन का मतलब होता है एक्स जो हमारा होता है और वाई कोऑर्डिनेट के लिए जो सिस्टम होता है कार्टेशियन प्लेन, उस पर आपको इन चीज़ों को डोनेट करना है और जो ग्राफिकल सोल्यूशन होगा वो भी आपको बताना है कि किस रीजन में किस तरफ होगा। ठीक है, एंड बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, सो एक्सरसाइज हमारा कौन सा 6.2, और क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 1। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पहला गिवन क्या दे रखा है, प्रॉपर लिखना है। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ आपको भी एग्जाम में डिक्टो वैसे ही लिखना है। ठीक है, एक्स प्लस वाई लेस देन 5 है। क्लियर? सबसे पहली चीज, ये इन इक्वेशन दे रखा है, इसे कन्वर्ट करना है इक्वेशन में। तो सबसे पहला आपके यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या आएगा? स्टेप वन में क्या जाएगा, ऐसे लिखोगे कंसीडर द इन इक्वेशन। जैसे जब भी इस तरीके के सिंबल होंगे ना, लेस देन इक्वल देन ऐसे कुछ सिंबल होंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इन इक्वेशन। या फिर आप यहाँ पर ऐसे भी ले सकते, कन्वर्ट इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन। ये लैंग्वेज इजी पड़ेगी, यही लिखना आप। कंसीडर की जगह क्या लिखना? कन्वर्ट इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन। तो वो क्या हो जाएगा? ऐसे ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड मान लो, स्टेप टू में आपको देखो कोई भी, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? लाइन को। ये रिप्रेजेंट किसको कर रही है? लाइन को। स्टेप टू में लाइन को खींचने के लिए हमें क्या चाहिए? पॉइंट्स। तो क्या लिखोगे? फाइंडिंग पॉइंट्स। ये हमारा स्टेप सेकंड होगा, फाइंड पॉइंट्स को फाइंड करना। अब ये पॉइंट्स फाइंड करना तो हमने क्लास 9th से ही सीख रखा होगा, है ना? छोटी क्लास से ही पता है हमें। हम क्या करते हैं, क्योंकि एक सिंपल सा एक इक्वेशन है, एक लाइन खींचने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए? एटलीस्ट 2 पॉइंट। उनको मीट कर दोगे आपको एक लाइन मिल जाएगी। तो हम ज़्यादा पॉइंट नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे 2 पॉइंट्स ओनली। और मेरी पर्सनल टिप्स है आपके पास ये होगी कि सबसे पहले ओरिजिन पे चेक करना, ठीक है ना? तो अगर मैं एक्स के प्लेस पे 0 रखता हूँ यहाँ पर, तो वाई कितना हो जा रहा है? 5। और अगर मैं वाई के प्लेस पे 0 रखता हूँ तो एक्स कितना हो जा रहा है? 5। तो ये मेरा पी पॉइंट है, ये मेरा क्यू पॉइंट है। ठीक है, हैंस जो मेरा पी पॉइंट है, पहले क्या आता है? एक्स, फिर क्या आता है? वाई, है ना? सो जो मेरा पी पॉइंट है वो क्या है? 0.5। एंड जो मेरा क्यू पॉइंट है वो क्या है? 5.0। ये मेरे 2 रिक्वायर्ड पॉइंट हैं। ठीक, अब स्टेप 3 में क्या करते हैं? स्टेप 3 में हम ओरिजिन रख के देखते हैं कि रीजन किस तरह बनेगा, वो हम चेक करते हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे? टेक अ पॉइंट 0.0, ओरिजिन देखते हैं, एंड पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट। हम ओरिजिन लेंगे और इसको कहाँ पर रखेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जो आपको गिवन होता है, गिवन इक्वेशन में रखना होता है। 0.0 <5, यानी कि 0.5 है, यानी कि क्या कर रही है? 0 ही सेटिस्फाइड कर रहा है, 0 से बड़ा है 5, बड़ा वाला माउस की तरफ है। यहाँ पे क्या लिख दोगे? विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू।
यानी कि ये सत्य है, इसका मतलब है शो। अगर जो पॉइंट आप लेते हो वो पॉइंट अगर आपको सेटिस्फाइड करके दे रहा है तो आपका जो शेडर रीजन होगा वो उसी पॉइंट की तरफ आएगा। शो शेडर रीजन विल बी, शो शेडर रीजन विल बी टुवर्ड्स द ओरिजन। जो भी पॉइंट लोगे और वो पॉइंट अगर सेटिस्फाइड करता है तो जो सैडर रीजन होगा वो किसकी तरफ होगा, ओरिजन की तरफ होगा। ठीक है, तो मैं आपको ग्राफ पेपर में बनाते हैं, ग्राफ पेपर तो नहीं है, हम पॉइंट्स भी हमारे से सिंपल ही है तो ग्राफ पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो हम इसी पे बना के दिखा रहे हैं आपको। ये मैंने ऐसे ले लिया, ये मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है। आपको एग्ज़ाम में कहाँ बनाना है, ग्राफ पेपर में बनाना है। अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो आप एग्जामिनर से मांगोगे। यहाँ पर हमारा क्या होता है, ओरिजिन फिक्स डिस्टेंस होती है, 1, 2, 3, 4, यहाँ कहीं 5 आएगा, इधर भी वैसे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, सारे दोनों पॉइंट्स हमारे क्या हैं, पॉजिटिव के हैं। पहला पॉइंट हमारे क्या है, 0.5 है, मतलब एक्स पे 0 वाई पे 5। तो ये पॉइंट पहला है मेरा, लिख दो 0.5। एंड दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है, क्यू, वो क्या है 5.0, मतलब एक्स पे 5 और वाई पे जाना ही नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट मेरा क्या है, क्यू है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को मीट करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मीट करते हुए क्या खींच देनी है, लाइन खींच दी हमने। ओके, अब लिखना भी है यहाँ पर हमें इसको, ये किसका है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 का है। अब शेडर डिजन आपको बताना है ना, शेडर डिजन किस तरफ, ओरिजिन ने इसको सेटिस्फाइड किया था तो किस तरफ दिखाना है आपको शेडर डिजन, ओरिजिन की तरफ। बस इतना ही दिखा दो, सारा करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा शेडर डिजन किसकी तरफ हो गया, ओरिजिन की तरफ, क्लियर। तो ये हमारा आंसर आ गया ग्राफ पेपर में, दिस इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया पहला वाला आराम से। क्वेश्चन बड़े सिंपल सिंपल है, ज़्यादा टफ है ही नहीं, सारे इजी इजी प्रॉब्लम है। नंबर टू पे आते हैं, क्या है, 2x + y ग्रेटर एन इक्वल 6। ठीक है, सेकंड वाले पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, गिवन 2x + y ये चीज दे रखी है, इक्वेशन नंबर, इसे क्या मान लेते हैं हम, 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब वही रूल, इसमें ये नहीं कि इसमें कुछ अलग से होगा, वही रूल लगाएंगे। अब क्या करना होता है, सबसे पहले स्टेप 1 में, देखो एक दो क्वेश्चन में मैं स्टेप स्टेप लिख रहा हूँ प्रॉपर, बाकी क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या करना होता है, फिर मैं थोड़ा शॉर्टकट यूज़ करूँगा। ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले कि यहाँ पर मेरे को एग्जाम में यही चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। स्टेप 1 में क्या लिखना होता है, कन्वर्ट इन इक्वेशन, इनटू इक्वेशन, यानी कि क्या हो जाएगा, 2x + y इक्वल टू 6। ठीक है, स्टेप 2 पे आ जाऊं, स्टेप 2 में पॉइंट्स फाइंड करते हैं, फाइंडिंग पॉइंट्स। पॉइंट्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं आपको पता ही है, यहाँ एक्स लिखो, यहाँ वाई, एक्स की जगह पर जब 0 मानोगे तो वाई कितना जाएगा, 6, जब वाई की जगह पर 0 मानोगे तो एक्स कितना जाएगा, 3। तो ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, पी पॉइंट क्या जाएगा 0.6 एंड क्यू पॉइंट क्या जाएगा 3.0। ठीक है,
अब स्टेप थ्री में क्या करते हैं, स्टेप थ्री में प्लॉट करना होता है, प्लॉट द ग्राफ। ग्राफ तो चलो अभी हम प्लॉट करेंगे, उसके बाद स्टेप फोर में क्या देखते हैं हम, सॉल्यूशन रीजन, है ना। तो स्टेप फोर में क्या देखेंगे हम, सॉल्यूशन रीजन। तो क्या करते हैं, टेक अ पॉइंट 0,0 एंड पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि गिवन इक्वेशन में हमें रखना होता है। क्या है, एक्स की जगह पर 0 प्लस वाई की जगह पर 0, 6, यानी कि 0 बड़ा है, 0 6 के इक्वल है या फिर बड़ा है, किसी भी इक्वल, 0 का भी 6 से बड़ा हो सकता है। क्या है, विच इज रॉन्ग। अब रॉन्ग है तो जो सॉल्यूशन का रीजन होगा, शेडेड रीजन विल बी ओरिजिन के अपोजिट साइड की ओर बनेगा अब की बार, ठीक है। तो शेडेड रीजन हमारा किधर बनेगा अब की बार, ओरिजिन की दूसरी तरफ। ऐसे लिख लेते हैं, ये मेरा ओरिजिन है ओ 0,0। देखो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है और ये मेरा एक्स डैश है। सो पहला पॉइंट मेरा क्या है, पहला पॉइंट मेरा है 0,6, एक्स पे 0 वाई पे 6, यहाँ कहीं आएगा, है ना, 0,6 ये मेरा पी पॉइंट है। एंड दूसरा पॉइंट मेरा क्या है, 3,0, यहाँ कहीं एक्स पे 3 और वाई पे 0, क्यू पॉइंट आ जाएगा 3,0, ठीक है ना। अब इन दोनों पॉइंटों को हमें क्या करना है, मीट कर देना है और फिर इक्वेशन जो भी है उसको लिख देना है, कौन सी थी, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये इक्वेशन थी। अब देखो ओरिजिन इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन रीजन किस तरह बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन, ओरिजिन की दूसरी तरफ, इधर। ठीक है, इस तरह बनेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ग्राफिकल, क्योंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो इसका शेडेड रीजन किधर बनेगा, ओरिजिन के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर सेटिस्फाइड करता है तो ओरिजिन की तरफ दिखा दें हम, ये उधर ऊपर जाएगा, आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3x प्लस 4y लेस देन एन इक्वल 12। तो सबसे पहले वही गिवन, हमें क्या दे रखे हैं, 3x प्लस 4y लेस देन 12, ये गिवन इक्वेशन है, ठीक है। स्टेप वन, कन्वर्ट इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, इसको इन इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन के फॉर्म में, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12, ठीक है। स्टेप टू, स्टेप टू में हम क्या करते हैं, फाइंडिंग पॉइंट्स, फाइंडिंग द पॉइंट्स क्या होता है, हमें देखो x की जगह पे 0 रखेंगे तो 4y इक्वल टू 12, 4 × 12 एंड y की प्लेस पे 0 रखेंगे तो 3x इक्वल टू 12, 3×4 = 12, ठीक है। यानी कि जो मेरा पहला पॉइंट P है वो क्या हो जाएगा 0,3 एंड दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 4,0। स्टेप थ्री में क्या करते हैं, प्लॉट द ग्राफ, हम क्या करते हैं ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ठीक। एंड स्टेप फोर में हम क्या करते हैं,
हम एक पॉइंट लेते हैं ओरिजिन, है ना, क्या लिखते हैं, टेक अ पॉइंट, एंड पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, पहला इक्वेशन क्या था, 3x प्लस 4y लेस देन 12, तो यहाँ पे हमें रखना है x के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे 0, विच इज ट्रू, तो ये ट्रू है, ट्रू है, यानी कि जो हमारा शेडर डिजन होगा वो किसकी तरफ आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा, ठीक है। सो यहीं पे सोल्यूशन में करके दिखाता हूँ आपको, आपको ये सब सोल्यूशन ग्राफ पेपर में करना है, है ना। ये मेरा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई नीचे के हैं वाई डैश, तो पहला पॉइंट मेरा क्या आया था, 0.3, एक्स पे 0, वाई पे 3, यहाँ पर पी पॉइंट 0.3, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा आया था एक्स पे 4, वाई पे 0, ये मेरा क्यू पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंटों को क्या करना है, मीट कर देना है, ठीक, और लिख देंगे इक्वेशन, अब इसका सोल्यूशन इधर किधर बन रहा है, कौन सेटिस्फाइड कर रहा था इसको, ओरिजिन इसको सेटिस्फाइड कर रहा था, तो ओरिजिन की तरफ आ जाएगा, ठीक है, आंसर, ये इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आ गया आंसर, ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, वाई प्लस 8 ये क्या है, 2x है, है ना, इसको ढंग से लिखते हैं पहले, वाई प्लस 8 2x, ठीक है। सो क्या करेंगे, देखो प्रॉपर वे में लिखना होता है इस टाइप के क्वेश्चन को, है ना, तो हम कैसे लिखेंगे, दोनों तरफ y को हम क्या करेंगे, ऐड कर माइनस करेंगे, तो y से y हट गया, यहाँ क्या आ गया, ये हमारा गिवन इक्वेशन है प्रॉपर। फिर से स्टेप 1, कन्वर्ट इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन, इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, देखो 2x माइनस वाई इक्वल टू 8 आ जाएगा। फिर क्या होता है स्टेप 2 में, हमें पॉइंट फाइंड करने होते हैं, फाइंडिंग द पॉइंट्स, तो पॉइंट्स फाइंड करना तो आसान है, यहाँ x यहाँ y, x के जगह पर 0 रखोगे, y की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस के 8, एंड y के प्लेस पे 0 रखोगे, x की वैल्यू क्या जाएगी, 4, ठीक। सो पहला पॉइंट क्या जाएगा, 0, -8, एंड दूसरा पॉइंट क्या जाएगा, 4, 0, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्लॉट करते हैं इन पॉइंट्स को, उसके बाद स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, प्लॉट द ग्राफ। स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, पुट टेक, हम एक पॉइंट लेते हैं, टेक पॉइंट 0, 0, एंड पुट इट इन फर्स्ट, फिर हम उसे कहाँ रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, 8, 2 × 0, सही है ये चीज़, यहाँ क्या लिख देंगे, विच इज़ ट्रू,
ये तो ट्रू है, ठीक है। सो ड्रॉ करते हैं अब। ये मेरा ओरिजिन है, तो देखो पहला पॉइंट मेरा क्या है, एक्स पे ज़ीरो, वाई पे माइनस के एट, तो यहाँ कहीं आएगा। हम सपोज करूँ ये पॉइंट क्या आएगा, ज़ीरो कोमा माइनस के एट पी। एंड दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है, फोर कोमा ज़ीरो, यहाँ कहीं आ जाएगा फोर कोमा ज़ीरो क्यू पॉइंट। इसको मीट करते हुए क्या खींच देंगे लाइन, और इक्वेशन जो भी हम लिख देंगे, इक्वेशन क्या है मेरे पास, टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एट। अब सॉल्यूशन इसका किस तरफ था, ओरिजिन इसको सेटिस्फाइड कर रहा था, तो सॉल्यूशन को किस तरफ जाएगा, ओरिजिन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव। देखिए ये दे रखा है एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू टू है, तो ये इक्वेशन नंबर वन है मान लेते हैं। फिर से वही चीज़ स्टेप वन में क्या करते हैं, अभी तो देखो हम एक एक इक्वेशन का कर रहे हैं, इसके बाद वाला जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें दो आ जाएगा, तीन आ जाएगा, फिर वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सो पहला वही चीज़ लिखना है, कन्वर्ट इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन, ठीक, ये चीज़ हम लिख देंगे। सो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर टू, ठीक। फिर हमें क्या करना होता है, फाइंडिंग पॉइंट्स, हमें पॉइंट्स निकालने होते हैं, फाइंडिंग द पॉइंट्स। तो यहाँ लिख देंगे पॉइंट्स के लिए कम से कम दो पॉइंट्स निकालने होते हैं, यहाँ एक्स यहाँ वाई। देखो एक्स के जगह पर ज़ीरो रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या है, माइनस की टू, और वाई के जगह पर ज़ीरो रखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या है, टू है ना यहाँ पर। सो मेरे पास पहला पॉइंट क्या है, ज़ीरो कोमा माइनस के टू, एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, टू कोमा ज़ीरो। स्टेप थ्री में क्या लिखना होता है, हमें प्लॉट द ग्राफ, फिर हमें थर्ड और फोर्थ स्टेप में, स्टेप फोर में हमें देखना होता है इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो किस तरफ होगा, उसके लिए हमें एक पॉइंट लेना होता है, टेक द पॉइंट ज़ीरो कोमा ज़ीरो एंड पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। हमें एक पॉइंट लेना होता है ओरिजिन और उसको फिर इक्वेशन में रखना होता है जो हमें दे रखा है, तो ये चीज़ हमें दे रखी थी तो यहाँ रखेंगे। ये क्या है, विच इज़ ट्रू, क्योंकि दो ज़ीरो से बड़ा है, ट्रू है। तो इसके लिए अब बात करेंगे हम, सॉल्यूशन रीजन देखेंगे। ठीक, ये मेरा ओरिजिन है, ओ ज़ीरो कोमा ज़ीरो पहला पॉइंट, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश, ठीक है। सो पहला पॉइंट मेरा क्या है, ज़ीरो कोमा माइनस टू, एक्स पे ज़ीरो वाई पे माइनस टू, इधर कहीं आएगा, ठीक है। इस पॉइंट का नाम क्या है, पी। दूसरा पॉइंट है मेरा टू कोमा ज़ीरो, ये यहाँ पर है, यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है। अब इनको क्या करना है, मेरे को मैच करना है, और नाम लिख देना है जो भी था, क्या था इक्वेशन मेरा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू के लिए था, और इसको ओरिजिन सेटिस्फाइड कर रहा है, ओरिजिन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो सॉल्यूशन रीजन किस तरफ जाएगा, ये ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ जाएगा। ठीक है, ये इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन आ गया, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक। कितना आसान था ये क्वेश्चन भी हमारा, इजीली बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, देखिए टू एक्स माइनस थ्री वाई ग्रेटर देन सिक्स,
तरीका वही है, क्वेश्चन भले ही बदल जाए, नंबर्स बदल जाए, लेकिन तरीका वही है। तो गिवन क्या दे रखा है, 2x माइनस के 3y ग्रेटर देन 6, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, फिर स्टेप 1 में क्या लिखेंगे हम, कन्वर्ट इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन, यानी कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, फिर स्टेप 2 में क्या लिखते हैं, फाइंडिंग द पॉइंट्स, हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं। पॉइंट्स फाइंड करने के लिए तो सिंपल तरीका है, पता ही आपको, x के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो y के प्लेस 3 2 6, और y के प्लेस पे 0 पुट करोगे 2 3 सा, एक्स की वैल्यू 3। सो जो पहला पॉइंट मेरे पास आएगा 0, -2, एंड जो दूसरा पॉइंट आएगा वो आएगा 3, 0। स्टेप 3 में क्या करते हैं, लिखते हैं प्लॉट द ग्राफ। और शेडेड रीजन चेक करने के लिए क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, टेक द पॉइंट ओरिजन एंड पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट। हम एक पॉइंट लेते हैं ओरिजन और उसे फिर गिवन इक्वेशन में रख देते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y, ये तो x की जगह पे 0 रखना है, y की जगह पे 0 रखना है, तो 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, 0 6 से बड़ा है, विच इज रॉन्ग, तो ये गलत है, यानी कि जो शेडेड रीजन होगा वो ओरिजिन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो बनाते हैं फिगर। पॉइंट का प्रेजेंटेशन तो आपको बताइए कैसे लिखते हैं, 0, -2, ये x पे 0, y पे -2, यहाँ कहीं पे आएगा, तो ये है 0, -2, एंड दूसरा पॉइंट 3, 0 यहाँ कहीं आएगा, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए क्या खींचनी है, लाइन। ठीक, और लाइन जो आपने खींचा उसको लिखना भी है, किसका है ये, 2x-3y = 6 का है। देखो इसको ओरिजिन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो सॉल्यूशन रीजन ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा, ओरिजिन के अपोजिट बनेगा, इधर आएगा। ठीक, ये इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा, तो ये भी हमारा आराम से बन गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, -3x + 2y, ये चीज ठीक है, ये क्वेश्चन हमें गिवन है, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो ये चीज क्या हो जाएगी, -3x + 2y = 6। ठीक, स्टेप 2,
स्टेप टू में क्या करते हैं, फाइंडिंग द पॉइंट्स। पॉइंट्स फाइंड करना है हमें, सो यहाँ एक्स लिखो, यहाँ वाई। देखो एक्स की जगह पर जीरो रखोगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, 3 से 6, 3 आ जाएगी। और वाई की जगह पर जीरो रखोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, 2 से -2 आ जाएगी। सो पॉइंट मेरा पहला क्या आ जाएगा, 0, 3, एंड दूसरा पॉइंट आ जाएगा -2, 0। स्टेप थ्री में क्या लिखते हैं, प्लॉट द ग्राफ। ग्राफ तो हम प्लॉट कर देंगे, उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, रीज़न किस तरफ जाएगा। स्टेप फोर, हमें एक पॉइंट लेना होता है, टेक अ पॉइंट 0, 0 जिसे हम बोलते हैं ओरिजिन, एंड पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट एक बार लिख लो, तो यहाँ ज़ीरो रखेंगे एक्स की जगह पे, वाई की जगह पे ज़ीरो रखेंगे तो इधर हो जाएगा ज़ीरो। देखो ज़ीरो जो है वो नंबर लाइन पर, अगर आप नंबर लाइन खींचो, -6 यहाँ कहीं आएगा और ज़ीरो ही है, तो देखो ज़ीरो बड़ा है, इधर बड़ा, इधर ग्रेटर होता है ना, इस तरह बढ़ता हुआ जाता है, तो ज़ीरो बड़ा है, विच इज़ ज़ीरो बड़ा है -6 से, ठीक है। सो इसके लिए अब क्या खींचना पड़ेगा हमें, इसके लिए प्लॉट खींचेंगे हम। ये मेरा ओरिजिन है, एक्स एक्सिस, नीचे वाई डैश, एक्स डैश, और ये वाई। पहला पॉइंट मेरा क्या है, 0, 3, एक्स पे 0, वाई पे 3, यहाँ कहीं आएगा पी पॉइंट। और फिर दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स पे -2, वाई पे 0, एक्स पे -2, वाई पे 0, ये पॉइंट मेरा क्यों है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई क्या खींच देनी है मेरे को, लाइन। और जो इक्वेशन थी वो लिख देना यहाँ पर, -3x + 2y = 6। अब देखो ओरिजिन इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, तो सॉल्यूशन रीजन किस तरफ जाएगा, ओरिजिन की तरफ, ये ओरिजिन है इसकी तरफ आएगा। ठीक है आंसर, ये इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। क्वेश्चन नंबर 7 डन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाऊं। क्या बोल रहा है, 3y - 5x < 30, ठीक है इसको करते हैं। वही रूल यहाँ पर भी लिखना है, स्टेप वन से कन्वर्ट इन इक्वेशन, इनटू इक्वेशन, ठीक है। सो ये चीज़ें ये हो जाएगी, 3y - 5x = 30। स्टेप टू, स्टेप टू में क्या लिखते हैं, फाइंडिंग पॉइंट्स। फाइंडिंग द पॉइंट्स यानी कि पॉइंट्स फाइंड करना मैंने आपको सिखा ही रखा है और आपको आता भी है। एक्स के प्लेस पे जीरो रखो तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। वाई के प्लेस पे ज़ीरो रखो तो 5, 6
माइनस का 6 आ जाएगी। तो पहला पॉइंट पी क्या आएगा 0,10 एंड क्यू क्या आएगा -6,0। तो स्टेप 3 में मैं क्या लिखना होता है, प्लॉट द ग्राफ, है ना। हालांकि आप लास्ट में करते हो लेकिन लिखना यही होता है। उसके बाद स्टेप 4 में हमें एक पॉइंट लेना होता है। स्टेप 4 में टेक द पॉइंट ओरिजिन एंड पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट इक्वेशन फर्स्ट जो हमें दे रखी है, यानी कि ये 3x माइनस के 5x, ये चीज़ तो रखेंगे। अच्छा ये वाई है तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। x की जगह पे भी ज़ीरो रखोगे, y की जगह पे भी ज़ीरो रखोगे, तो 30 इज़ ग्रेटर है ज़ीरो से, विच इज़ ट्रू, यानी कि ओरिजिन सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ओरिजिन सेटिस्फाइड कर रहा है यानी कि जो इसका शेडेड रीजन होगा, सॉल्यूशन रीजन होगा, वो रीजन किस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। ठीक है, क्लियर। चलो बनाते हैं इसका फिगर। सो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है 0,10। एक्स पे 0, वाई पे 10 इधर है, पॉजिटिव का है। सो पहला पॉइंट पी यहाँ पे आ गया 0,10। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास -6,0, यहाँ कहीं पे आएगा -6,0। ये मेरा क्यू पॉइंट है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दोनों को मीट कर देंगे। ठीक है, मीट कर देंगे। सो यहाँ पर क्या है, इक्वेशन को भी लिखना है, क्लियर। अब इसका सॉल्यूशन डिज़ाइन किस तरफ है, ओरिजिन इसको सेटिस्फाइड कर रहा था, तो ये ओरिजिन है, इसकी तरफ आएगा। तो ये इसका शेडेड डिज़ाइन हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, y इज लेस देन -2। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अब तक जितने भी क्वेश्चन के उसे हट के हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंगल ही वेरिएबल है। ठीक, तो स्टेप 1 में क्या लिखोगे, वही कन्वर्ट इन इक्वेशन इन टू इक्वेशन, तो ये क्या आ जाएगा y इक्वल टू -k2। तो जब भी सिंगल वेरिएबल हो तो उसके लिए हमें पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने इसका ग्राफ, ऐसे चीज़ों का ग्राफ प्लॉट करना क्लास 9th में ही सीखा है। वाई इक्वल टू समथिंग जो भी होता है उसका जो ग्राफ बनता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनता है, और एक्स इक्वल टू समथिंग जो भी होता है उसका ग्राफ वाई एक्सिस के पैरेलल बनता है। ठीक है, तो सीधे सीधे आ जाते हैं। स्टेप 1 तो ये हो गया। स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में पॉइंट चाहिए होता है, पॉइंट की ज़रूरत नहीं है। स्टेप 2 में यहाँ पर क्या लिखोगे, प्लॉट द ग्राफ। और स्टेप 3 में क्या आएगा, ओरिजिन लोगे, देखो ओरिजिन लोगे ना, तो यहाँ पर रखोगे ओरिजिन -2 से छोटा है, विच इज़ रॉन्ग। इसका जो शेडेड रीजन बनेगा ओरिजिन की तरफ नहीं बनेगा, क्योंकि क्या आया, ये रॉन्ग आया है। अब इसका सॉल्यूशन रीजन देख लेते हैं। तो देखो ऐसे करना है, ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा x इक्वल टू 1, 2, 3, ये -1, ये -2, ये -3, इधर 1, इधर 2, ऐसे होता है ना। तो मेरे पास क्या है, y इक्वल टू -2 है, -1, -2, ये y इक्वल टू -2 है। ठीक है, तो यहाँ पर लेना है पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा, इसका जो ग्राफ ऐसे बनेगा, ये क्या है, y इक्वल टू -2 है। ठीक है, और इसका सोल्यूशन किस तरह बनेगा, क्योंकि ओरिजिन इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, रॉन्ग है। तो अगर सेटिस्फाइड करता तो इस तरफ जाता, ओरिजिन की तरफ जाता, तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो ओरिजिन के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, इधर। ठीक, आराम से हो गया।
क्वेश्चन नंबर 10 में भी वैसे ही करना है, बस इसमें क्या है एक्स ये चीज़ दे रखा है। तो देखो बाकी तो सब आपको पता ही चल जाएगा, 0 -3 से बड़ा है राइट, विच इज़ ट्रू। सो अगर इसका आप ग्राफ पर बनाओगे, ग्राफ में प्लॉट करोगे, तो एक्स इक्वल टू -3 कहाँ पर आता है, 1, 2, -3 है ना, इधर कहीं आ जाएगा। और इसका जो ग्राफ बनता है वो वाई एक्सिस का क्या बनता है, पैरेलल। और ओरिजिन इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, ओरिजिन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसको सॉल्यूशन किस तरफ बनेगा, ओरिजिन की तरफ। और ये क्या है, y इक्वल टू -3, बस दैट्स इट। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में ज़रूर आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।